नमस्कार, मैं संदीप मीणा दौसा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव के बाद में अब सभी की नज़रें लोकसभा चुनाव पर टिक गई हैं। लोकसभा चुनाव का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन आज हम बात करेंगे दौसा लोकसभा क्षेत्र में हो रहे राजनीतिक उठापटक को लेकर, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता टिकट को लेकर दिल्ली की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, जिसमें पूर्व अधिकारी हैं, प्रेजेंट में अधिकारी भी हैं और कोई नेता हैं और नेताओं के परिवार वाले भी हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी में शुरुआत करते हैं किरणलाल मीणा के परिवार से। बात ऐसी चल रही है कि जो राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से किरणलाल मीणा ने 4.5 साल विपक्ष की अकेली भूमिका निभाई थी, तो दौसा में ये चर्चा है कि उनकी फैमिली से किसी न किसी को टिकट मिल जाए, चाहे जगमोहन जी हों, बोलमा देवी हों या फिर किरणलाल मीणा पर भी बीजेपी दाव खेल सकती है। हालांकि वो कैबिनेट मंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं केसी मीणा हैं, चंद्रमोहन जी हैं, बहुत सारे नेता हैं, अधिकारी हैं जो लगातार उनकी गाड़ियों के जो पहिए हैं दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक बात करें तो जसकोर मीणा भी अपनी बेटी अर्चना मीणा के लिए कश्मकश लगाए बैठी है और लगातार दिल्ली की तरफ खुद बनाए रखी है। दौसा की राजनीति की बात करें तो दौसा की राजनीति में पायलट परिवार के बाद में अभी तक कांग्रेस के पास यह सीट नहीं आई है। किरणलाल मीणा यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और दोनों ही पार्टियों को चित कर दिया था, कांग्रेस और बीजेपी को। उसके बाद में यहाँ से हरिश्चंद्र मीणा चुनाव जीते, इसके बाद में जसकोर मीणा चुनाव जीती। उसके बाद में कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है इस सीट को वापस लाना। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कहा जाता है कि कांग्रेस से मुरारीलाल मीणा कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में। पिछली बार उनकी धर्मपत्नी सविता मीणा चुनाव लड़ी थी, हालांकि पूरा चुनाव रोचक रह गया था क्योंकि सविता मीणा को पहले टिकट मिल गया था और जसकोर मीणा को एन वक्त पर टिकट मिला था। और वह भी टिकट इसलिए मिला था क्योंकि किरणलाल मीणा और ओम प्रकाश हुड्डा उस वक्त बीजेपी सपोर्टेड थे। दोनों के जो कसमकश चली थी टिकट वितरण को लेकर, उसके बाद में जसकोर मीणा को इसका फ़ायदा मिल गया था। और अब की बार भी चुनाव में यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में एंड टाइम पे टिकट वितरण को लेकर जो कसमकस होगी, जो लड़ाई होगी, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं तीसरे आदमी को मिल सकता है। वो तीसरा आदमी कौन होगा ये तो समय बताएगा। हो सकता है कि दौसे से बाहर का हो या दौसा के अंदर का हो। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ नेता ऐसे हैं जो बाहर के हैं और दौसा में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वे पहले ही भाग्य आजमा चुके हैं लेकिन सफल नहीं हो चुके। जिस तरीके से बात करें पानीवाड़े बाबा, जो टोडा भीम से बीजेपी का चुनाव टिकट लेकर आए थे और विधानसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन सफलता नहीं मिली। वैसे उनके बेटे हैं रविंद्र मीणा, वो बसपा से टिकट लेके आए थे लेकिन उसके बावजूद सफलता नहीं मिली। लेकिन वे अब दौसा का रुख कर चुके हैं और होर्डिंग्स को देखकर और उनका जो प्रचार प्रसार है, जो तकनीकी है, उसके हिसाब से ये लगता है कि कहीं ना कहीं टिकट उनकी तरफ ही जाएगा। क्योंकि गलियारों में ये भी चर्चा है कि सही है कि गलत है ये तो पता नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि रामनिवास मीणा पैसे के बल पे ये पूरी राजनीति कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बाहरी और लोकल, अब बाहरी पे कितना लोकल भारी पड़ता है या बाहरी लोकल पे भारी कितना फर्क पड़ता है ये तो टिकट वितरण के बाद ही पता चलेगा। कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस में बहुत सारे हैं, नरेश मीणा हैं, मुरारीलाल मीणा हैं, राजेश्वरी हैं। जिस तरीके से जो रामनिवास मीणा है पानी की राजनीति कर रहे हैं, वैसे राजेश्वरी मीणा ने भी काफ़ी पैदल भी चली थी, काफ़ी राजनीति की थी, वो भी दौड़ में हैं। पीडी मीणा भी हैं। लेकिन इसकी बात कर लेते हैं राजनीति की, ये चर्चा पूरी है कि मुरारीलाल मीणा को ही शायद पार्टी अपना गेम खेले। लेकिन कहा यह जा रहा है, मुरारीलाल मीणा से हमने कई बार बात की है लेकिन वो मना कर रहे हैं कि हमारे मेरे और मेरे परिवार में से कोई भी अब की बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। फिर किसे टिकट देगी? अब ये इसीलिए क्या कहा जा रहा है बार बार में कि अब की बार लोकसभा चुनाव का जो टिकट है मुरारीलाल मीणा के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हालांकि समय बताएगा टिकट किसको मिलता है, पार्टी किस में आजमाएगी भाग्य,
ये अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से बात करें लोकसभा क्षेत्र की, तो जिस तरीके से राजेश पायलट के बाद में सचिन पायलट यहाँ से कांग्रेस के लास्ट उम्मीदवार रहे थे और प्रत्याशी रहे थे और जीत के सांसद रहे थे, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस का गढ़ रहने के बावजूद भी यहाँ अब उसके बाद में यहाँ कांग्रेस का सांसद नहीं बना है, तो एक बड़ी मुश्किल चुनौती भी है कांग्रेस के लिए, तो वहाँ बीजेपी के लिए भी मुश्किल है। क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मुश्किल क्यों होने वाला, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके सचिन पायलट को साइड में रख के चुनाव लड़ा गया था और जिस तरीके से परिणाम सामने आए, उसी प्रकार दौसा में किरोड लाल मीणा का भी एक वर्चस्व है। जिस कहा यह जा रहा था विधानसभा चुनाव के बाद में किरोड लाल मीणा को अच्छा पद मिलेगा, जैसे उप मुख्यमंत्री का पद था, स्वास्थ्य मंत्री का पद था, या कुछ अच्छा पद था, लेकिन गलियार में जो चर्चा है कि उन्हें जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की उस हिसाब से उनको पद नहीं गया। तो यहाँ ST समुदाय, जो मीणा समुदाय है, उसमें थोड़ी नाराज़गी भी है। अब बीजेपी ये चाहेगी कि इस समुदाय को किस तरीके से जोड़ा जाए, तो हो सकता है कि जगमोहन मीणा को टिकट दे दिया जाए, हालांकि ये अलग बात है टिकट किसके हाथ में जाएगा, लेकिन ये चुनाव है बड़ा ही पेचीदा चुनाव है दौसा लोकसभा क्षेत्र का, क्योंकि यहाँ पर अजीब और गरीब समीकरण बन जाते हैं अंतिम चुनाव आते आते। और बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरी राजस्थान का अहम जिला है दौसा, और दौसा के की राजनीति ही आपको राजधानी में इफेक्ट करती हुई दिखाई देती है, पूरी राजस्थान के और जिले हैं उसमें भी इफेक्ट करती हुई दिखाई देती है। तो इसीलिए दोनों ही पार्टियों की नज़र दौसा पे है, दौसा की सीट निकालना जरूरी है। अब ये बाद में पता चलेगा कि टिकट किसको मिलता है या किसको नहीं मिलता, जितनी आपको उत्सुकता है उतनी हमें भी उत्सुकता है कि अब बीजेपी अपनी कब लिस्ट निकालेगी और कांग्रेस की पहली लिस्ट कब आएगी जिसमें किन किन के नाम होंगे। अब ये बाद में पता चलेगा टिकट किसको मिलता है और किसका भाग्य आजमाया जाता है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।